अस्सलाम वालेकुम, मैं हज़रत दीम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजपूत व्लॉगर। तो मैं खेत से आया था तो मैंने देखा यहाँ इतनी आवाम है, यहाँ लगी हुई है जी मुंजी की छंगाई, हम कहते हैं मुंजी जमना। आइए दिखाता हूँ आपको भी। चलो चलो जो आ गई भैया। सॉरी तुहाडा रड़ा ही करना। हाँ पेज भी है, चैनल भी, हर चीज। अरे इन्हें यह भी बता दिया कि वो किले वाले निकले हैं, क्या लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये यहाँ से लेकर ये एक एकड़ तकरीबन एक एकड़ के करीब खाली हो चुकी है। तो हमारे यहाँ जी ये ड्रम वगैरह पर छांगते हैं, इसको लगाते हैं, और दूसरे इलाकों में, कई इलाकों में मिट्टी का एक ना ऐसे ऐसे बन्ना सा बना देते हैं, उस पर भी करते हैं, कई सवाखे पे करते हैं, इन है बस छांगते हैं। इधर पानी नहीं था, ये सारी ना ये सारी टूवेल के पानी पे पली है, तो इसीलिए कम हुई है। ये देखें जी, इधर मसेरों ने हमारे जगह ली है इन्होंने, तो माशाल्लाह ये बाथरूम वगैरह हैं यहाँ, ये जानवर लेके आएंगे। तो ये देखें, ये जानवरों के चारे के लिए खुरली, खुरली के अलावा भी कुछ होता है, खुरली खुरली है, जैसे के लिए खुरली कहते हैं। हाँ, छांव वगैरह अच्छी है माशाल्लाह, और जानवर यहाँ खुशी से अपना चारा खाएंगे। काफ़ी दूर है इनके जानवर, तो एक गांव में लेके आएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे छांव देखिए, छांव दिन में भी छांव है, धूप भी आया सर्दी के लिए। एक बरामदा बनेगा, तो यहाँ कह रहे हैं कि एक बरामदा बनेगा जिसमें रात को या फिर छांव वगैरह के लिए बांधा जाएगा। बाकी माशाल्लाह बेहतरीन निज़ाम बन रहा है। टंकी में कचरा बहुत ज़्यादा हो चुका था, तो इसको आज सफाई करेंगे घर में। मैंने पिछली बार आपको वीडियो दिखाई थी सफाई होते हुए, वहाँ देख के आया था, अब की बार तजर्बा करेंगे जी यहीं। सबसे पहले खोलेंगे सीट, इसके जी मैंने नेट खोल लिए थे, थोड़े से रखते हैं। इसके बाद ये वाला नट खुलेगा तो टंकी फ्री हो जाएगी, इसको खोलने की ये वाले से। इसका पेट्रोल बंद करके पाइप को थोड़ा सा निकाल के ऊपर कर लेंगे, और पहले जी बोतल लेकर आएंगे इसके।
निकालेंगे, पहले ये पेट्रोल निकाल लेंगे जो ऐसे ही निकलेगा। ऐसा ऐसा निकलेगा तो देर लगेगी, यही वीडियो एक बार रोकते हैं, जब निकल जाएगा वहां से शुरू करेंगे। ये जी सुबह लीटर डलवाया था, इसकी ट्यूनिंग वगैरह भी करूंगा। ये देखें इतना रह गया, लीटर कम से कम इतना है। तो बाकी इसको खोल लेंगे जी, पेट्रोल बंद करके। पहले टॉप पे खोलने पड़ेंगे, बस दस कैसे हो गए तुम पर। ये पेट्रोल जब सुबह डलवाया था ना, सब्ज कलर का था, अब देखें ये तकरीबन कौन सा कलर हो गया, शराबी कलर हो गया। उधर वाला भी खोल लेंगे। थोड़ा सा पेट्रोल बाकी है, अभी उसको भी निकाल लेंगे। पूजा भी चलती रहेगी। इसको पानी इसमें ये देखे, पहले भी कचरा बहुत था, अब पानी फिर निकालेंगे। देखिए दोबारा डालेंगे पानी, अगर आपको नजर आए तो ये देखिए कितना कचरा है, दोबारा पानी डालेंगे। साथ साथ एक तजर्बा और करके देखते हैं। ओ वाओ, तजर्बा करते करते काम बहुत बिगड़ गया था, बहुत मुश्किल से इसको बुझाया है, तो इसको खाली करेंगे, गर्म है अभी। काबले को खोलेंगे जी, ये फिल्टर पाइप होता है, इसको यहाँ रख के ऊपर से पानी डालेंगे ताकि नीचे से निकले। टंकी जब भी साफ करें इस चीज को, ऐसे लगा होता है ये पेट्रोल बंद करने वाला, जो ये वाला नट है इसको खोल के, यहाँ पे बहुत कचरा होता है, देखिए ये देखें तो खराब होगी इतना कचरा।
बाजी है जी, यहाँ पे जाली होती है, इस पर कोई चीज़ नहीं लगानी, कैसे पानी से लगाना है। तकरीबन 15 मिनट के बाद टंकी बिल्कुल धूप में रख के सूख चुकी है। इसमें अब इसकी फिटिंग करेंगे और इसको फिर यहाँ पे इस माइक पे फिट कर देंगे। फिर जी जुमा भी शुरू हो चुका है, जल्दी जल्दी से फिट करके जुमा पढ़ने जाते हैं इंशाल्लाह। अजान हो रही है जी, बाकी सारी फिटिंग करके एंड पे दिखाएंगे। अजान हो रही है, जब टंकी साफ करने के बाद लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, इसको ऐसे ही इसमें डाल देंगे, ऐसे नहीं। ये वाला अपने कपड़ा लेना है साफ सुथरा, ऐसे करके थोड़ा इसके जगह बना लेनी और फिर इसमें पेट्रोल डालना है। नो, ऐसा ऐसा डालने, जल्दी ना करें। सबसे बड़ी गलती करते हैं ये देखिए जी, कपड़ा लगा कर डालेंगे, ये सारा गंद कबाड़ बाहर आ जाएगा और टंकी में ये फुल साफ पेट्रोल जाएगी और इसको ऐसे लगा देंगे। ये देखें जी, ये निकला है, इससे गंद कबाड़ और ये तसले में भी है।
टंकी अलहमदिल्ला बिल्कुल ठीक हो गई है। इसकी इससे फ़ायदा एक ये भी होता है कि एवरेज भी बिल्कुल बेहतरीन हो जाती है इससे ना, सफाई हो गंद मंद सारा निकल जाए तो इसकी एवरेज बिल्कुल ठीक हो जाती है। बाकी इसकी ये वाली लाइट भी कल भाई लेके गए हुए थे सरगोदा, उन्होंने उतार दी है, वो भी लगाएंगे और इंशाल्लाह जुमा पढ़ के आके बाकी काम इसका करते हैं। फिलहाल तो ऐसे ही फिट करके जुमा पढ़ने जाते हैं, तब तक अल्हम्दुलिल्लाह जी तैयारी करके मैं जा रहा हूँ जुमा पढ़ने। जुमे का टाइम हुआ जाता है तो तकरीबन 5-10 मिनट हो गए, लेट हो गया मैं बाइक ठीक करते करते। जो कि असूल है वो तो है कि अजान होते ही चले जाए, तो इस मस्जिद में मैंने जाना है इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी मेरी फूल खुशबू वगैरह लगा के कंघे वगैरह करके आप जा रहे हैं, इंशाल्लाह जाके जुमा पढ़ते हैं। और मज़ीद बताइएगा आपको मेरा ये तरीका कैसा लगा। ये तरीका एक मकैनिक का तरीका था जिससे मैंने टंकी को साफ किया है। बाकी इंशाल्लाह जी बाकी मिलता हूँ मैं जुमा पढ़ के, जुमे को लेट हो रही है, वीडियो के चक्कर में जुमात ना गुजर जाए, तब तक ये जी मैंने लैंप बनाया था, इसके ऊपर खड़ा था, इसके ऊपर ना यहाँ पे, तो मैंने इसको यहाँ से उतार कर मैंने कहा यहाँ के थोड़ी डेकोरेशन हो जाए तो इसको यहाँ पे लगा दिया। ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाया हुआ है, तो अब इसको मैं आपको जला कर दिखाता हूँ अंधेरे में। माशाल्लाह इतना खूबसूरत जलता है ना, देखिएगा ये देखिए जी माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है। तो और इसकी रोशनी कितनी है ये मेरे, मैं भी आता हूँ ये देखिए, इसमें ज़ीरो का बल्ब लगाया गया है इसकी तरह, ये वाले की तरह छोटा बल्ब होता है ना काफ़ी, ये वाला दो बल्बों को जोड़कर मैंने बनाया था। और अगर मेरे पास वो वीडियो दी हुई तो उसको भी मैं ऐड करूँगा जो मैंने लैंप बना के फिर दी थी, उसमें एडिटिंग में मैंने कलर चेंज कर दिए थे, वो मैनेज कर लेना। ये रियल कलर ये है, इधर एक्सीडेंट हो गया जी सुबह से टायर क्यों कोई मसला बन गया है, मट्टी वगैरह सारी यहीं गिरा कर टायर लेकर गया हुआ है, इसकी तो बेचारे की दिहाड़ी गई। वेलकम जी, नेक्स्ट डे मैं खेत से होकर आ रहा हूँ वापस काम करके। तो ये देखें जी आज सूरज भी, सर्दी का सूरज, सारी ज़मीनें हल वगैरह चलाकर गंदम के लिए तैयार कर दी गई हैं, और गंदम में रह गया है तकरीबन 17 से 18 दिन, तो सब अब गंदम का बीजेंगे। आज रात हमने भी जिप्सम गिराना है, आपको भी दिखाऊंगा अगले ब्लॉग में। तो इंशाल्लाह अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।